अपनी शख्सियत का भला मैं क्या मिसाल दूं यारो, अपनी शख्सियत का भला मैं क्या मिसाल दूं यारो। ना जाने कितने लोग मशहूर हो गए मुझे बदनाम करते करते। ज़मीन पर रहकर आसमां को छूने की फितरत है, पर किसी को गिरा कर ऊपर उठने का शौक नहीं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल RK मोटिवेशन स्टोरी। अगर आप लाइफ में बार बार फेल हो रहे हैं, मेहनत करते हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, तो ये वीडियो केवल आपके लिए, इसे बिना स्किप किए देखें, बहुत मज़ा आएगा। तो चलो कुछ अच्छा सुनते हैं मेरे साथियों। सेम टाइम है, अभी IPL चल रहा है और मैं बात कर रहा हूँ वनडे मैच। आपको बता दूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता, सुनो आप, बहुत ज़ोरदार कहानी है। याद है अभी IPL चल रहा है। मैं IPL का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह कहानी पूरे क्रिकेट जगत की है। 1983 में इंडिया वेस्ट इंडीज़ को वर्ल्ड कप हरा दिया। घटना सुनिए, मज़ा आएगा। वेस्ट इंडीज़ 1974 का वर्ल्ड कप जीता, 1979 का वर्ल्ड कप जीता। क्लाइव लाउड की फिलासफी अलग थी, जो वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन था उसकी फिलासफी में ऑलराउंडर नाम का शब्द ही नहीं था। 5 बल्लेबाज, 5 गेंदबाज, 1 विकेट कीपर, 11 की टीम। बल्लेबाज को बॉलिंग नहीं आती थी और बॉलर को वैट्स पकड़ना नहीं आता था, लेकिन इस फिलासफी से उसने 20 साल क्रिकेट जगत में रूल किया। 1974 में जीता, 1979 में जीता, 1983 में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था और इंडिया स्कोर 183 माय डियर फ्रेंड्स। रिचर्ड आया बैटिंग करने के लिए और 13 गेंदों में 8 चौके मारे। कपिल शर्मा को पीटा, रोजर बिन्नी को भी खूब मारा, हिला कर रख दिया। अरे 183 है ही क्या, खत्म करो और घर चलो। और कपिल देव ने रिचर्ड का कैच पकड़ लिया, मैच पलट गया। वेस्ट इंडीज 139 में ऑल आउट हो गया। वेस्ट इंडीज़ को समझ नहीं आया कि कैसे हो गया। उसे लगा कि बंदर ने शेर को चाटा मारकर पेड़ पर चढ़ गया, उसको तो ऐसे ही लगा साले को। 2 टके की टीम मुझे बीट कर दिया, वेस्ट इंडीज़ रूल किया था साथियों। लोग कांपते थे। मेलकम मार्शल साला 6 फुट का पहला आदमी था जो 90 की स्पीड से गेंदबाजी करता था। साला एम्पायर के पीछे से भाग कर आता था, बल्लेबाज को दिखता ही नहीं था और हरामखोर कहता था कि मुझे पिच में खून अच्छा लगता है। रूल किया था जिसने, उसको लगा कि बंदर ने शेर को चाटा मारकर पेड़ पर चढ़ गया। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप हारा, इंडिया घर वापस आ गया। अब मज़ा देखो, वेस्ट इंडीज ने BCCI से रिक्वेस्ट किया कि हमको इंडिया के साथ वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है, और सीरियसली BCCI ने एक्सेप्ट कर लिया। बेवकूफों ने, आप एल मुझे मार, मेरे घर में घुसकर मार। वेस्ट इंडीज के अधिकतम प्लेयर कभी जो इंडिया आते ही नहीं थे कि उनके पास क्या जाकर खेलना, बच्चों को क्या मारें, सारे लोग वेस्ट इंडीज से इंडिया आ गए। 6 वनडे हुए दोस्तों, पहले वेस्ट इंडीज जीता 6-0 से, इंडिया जीता 0-6। 150 रन से वनडे हराया और जो स्कोर बोर्ड होता था उसमें सिर्फ लिखा होता था कैच कीपर वोल्ट मार्कम मार्शल, कैच डूजॉन वोल्ट मार्कम मार्शल, कैट डूजॉन वोल्ट मार्कम मार्शल, यही होता था। 6 के 6 वनडे इंडिया हार गया। वेस्ट इंडीज ने समझा ही दिया कि गलती से हो गया था उस दिन। अब कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, चला इसके बाद 6 टेस्ट मैच भी हैं। पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज 3.5 दिन में जीता। 3.5 दिन में 250 रन से वेस्ट इंडीज ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया। अभी तो शुरुआत थी, पूरे इंडियन मीडिया में पेपर में चला दिया इंडिया वर्ल्ड कप तुक्के से जीत गई थी। तुक्के से ही सही, साला जिसने जीता उसने तो पेल दिया, घर में घुसकर मारा सालों को। 6-0 से वनडे हराया। पहला मैच 250 रन 3.5 दिन में ख़त्म हो गया और मेलकम मार्शल ने 12 विकेट लिए, 8 बोल्ट मारे, साले की बाल ही नहीं दिखती किसी को। दूसरे मैच से पहले रणनीति हुई, कलाकारी हुई, मनोवैज्ञानिक बुलाए गए और काउंसलिंग सेशन हुआ। सुनील गावस्कर का
सुनील गावस्कर का काउंसलिंग सेशन हुआ और काउंसलिंग सेशन में बोल रहा है एक लीडर कि इज मेलकम मार्शल इज द बेस्ट प्लेयर एंड यू आर द बेस्ट बैट्समैन। अगर मेलकम मार्शल एक अच्छा बॉलर है, खतरनाक गेंदबाज है, तो तुम दुनिया के सबसे खतरनाक बैट्समैन हो। चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम द डिफेंस टू अटैक, व्हाट यू आर डूइंग। गावस्कर को ऐसा लगा जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिला दिया हो। तुम्हारी माँ की आँख, इनकी ऐसी की तैसी, साले सोए हुए शेर को उंगली कर दिया किसी ने जैसा। काउंसलिंग करने वाला हमारे जैसा रहा होगा साला कोई। सेकंड मैच फिरोसा कोटला में, सट्टेबाज बोलते थे कि 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और इंडिया को बैटिंग करने के लिए दे दिया कि जाओ मेलकम मार्शल के सामने सुनील गावस्कर। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, पहले ओवर में गावस्कर ने मार्शल को 4 चौके मारे, 4-4 पहले ओवर में, और लंच तक गावस्कर ने 107 गेंद नॉट आउट। लंच से पहले गावस्कर स्कोर 107 रन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। साथियों, एक चीज़ बदल गई, एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड्स। और मेलकम मार्शल अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब गावस्कर ने उन्हें पहले ओवर में मुझे 4 चौके मारे, मुझे एक बात समझ में आ गई कि इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट यहाँ से बदल जाएगी, इंडियन क्रिकेट यहाँ से बदल जाएगी। क्या बदल गया जानते हैं? एटीट्यूड। वही गावस्कर पहले था, वही इंडियन टीम पहले थी, लेकिन उनका एटीट्यूड चेंज हुआ, दुनिया में सब कुछ बदल गया। इज ऑल अबाउट एटीट्यूड, वी ऑल हेल्प आवर ऑल इज एबिलिटीज। आपके अंदर की ताकत को पहचानो, आपके अंदर इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, चेंज योर एटीट्यूड। जब मैं 80 से 90 हज़ार पर मंथ कमा सकता हूँ तो आप भी कमा सकते हो। तुम्हारे अंदर मुझे देखकर जलन होनी चाहिए। दोस्तों, आपके अंदर भी मुझे देखकर जलन होना चाहिए कि साला तू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। चेंज योर एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड्स। और देखते रहिए हर दूसरे दिन एक नई कहानी आरके मोटिवेशन स्टोरी में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लास्ट में फिर कहना चाहूँगा, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे।